हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग गुप्ता है और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एयर जॉर्डन 5 रेजिंग बुल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं लास्ट मोर देन वन मंथ वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ इस चैनल में। ड्यू टू सम रीजंस मैं अपलोड नहीं कर पाया, बट नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो मैं इस चैनल में रेगुलर वीडियोज डालते रहूँगा। तो चलिए आज का अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो आज जो स्नीकर के बारे में हम बात करने वाले हैं, एयर जॉर्डन 5, ये मॉडल पहले भी रिलीज हो चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 को ये मॉडल रिलीज हुआ था। उस टाइम में भी अच्छे सेल्स हुए थे और आफ्टर फ्यू ईयर्स ये स्नीकर का रीसेल वैल्यू भी बढ़ा था। और अभी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स के बाद आ रहा है और इस बार इंडिया में भी लाया है। कंपेयर करा जाए तो 2009 के मॉडल से ये जो 2021 मॉडल है स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब बॉक्स में भी और आप स्नीकर में भी बात करोगे तो थोड़ा डिफरेंस है। तो मैंने दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा हूँ जिनने कंपेयर करा है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। तो अनबॉक्स करने के बाद मैं आपको बता भी दूंगा उसके बारे में। तो ये रहा हमारा बॉक्स, आप जैसे देख सकते हो काफी अच्छा दिख रहा है ये बॉक्स, मतलब थोड़ा अलग है बॉक्स, थोड़ा वुडिश डिजाइन दिया है बॉक्स को। और कंपेयर टू ओल्ड बॉक्स, पुराना स्नीकर बॉक्स भी ऑलमोस्ट सेम कलर का था, थोड़ा लाइटर कलर का था और डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट था। एक बार बॉक्स डिटेल्स की बात कर लेते हैं। फ्रंट साइड आप देख सकते हो बड़ा सा जंपमैन लोगो दिया है रेड कलर में, और बैक साइड ऑफ द बॉक्स आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइसिंग डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए बॉक्स को खोलता हूँ मैं अभी। ऑल्सो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर वुड का डिजाइन दिया हुआ है पेपर में। तो ये रहा हमारा स्नीकर्स, आप जैसे देख सकते हो। फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर लेता हूँ तो मेरे को अच्छा लगा है शूज, लाइक एज पर क्वालिटी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कलर वाइज अगर बात करें तो मैं रेड कलर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं पर्सनली रेड कलर स्नीकर नहीं पहनूंगा अपने पैरों में बिकॉज इट्स टू पॉपी। शूज़ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो आप ये पूरा रेड कलर जो देख रहे हो पूरा स्वेड लेदर से बना हुआ है, जो एक अच्छा फील दे रहा है। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2009 के मॉडल से, मैंने सुना हो कि 2009 के मॉडल का जो स्नीकर है उसमें स्वेड लेदर का थिकनेस ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो वो और प्रीमियम क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें। पर हाँ, ये भी बुरा नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगा पर्सनली। और आप जैसे देख सकते हो इधर 23 पूरा एम्ब्रॉयड है, और यहाँ पर ये जंपमैन एंड यहाँ पर भी जंपमैन, ये दोनों भी एम्ब्रॉयड है। और हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होगे टंग में ग्रे कलर का मटेरियल है, जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करा हुआ इधर। एंड मिड सोल आप देखोगे इधर ब्लैक कलर का यूज़ करा हुआ है और बीच में इधर वाइट कलर दिया हुआ है, जो अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर रेड कलर बीच में ऐड करा हुआ है, लाइक थोड़ा फायर डिज़ाइन दे रहा है। बेसिकली हर एयर जॉर्डन 5 में मैंने ऐसा डिज़ाइन नोटिस करा हो, समटाइम्स रेड कलर होता है या कोई भी कलर हो सकता है। डाउन सोल की बात कर लेते हैं तो इधर आईसी ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट सोल दिया हुआ है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगेन आप इधर जंपमैन का लोगो देख सकते हो रेड कलर में, एंड इधर जॉर्डन मेंशनड है। यहाँ पर आपको एक लेस लॉकर भी दिया हुआ है, जो एक अच्छा एड ऑन है। एंड लेस की बात कर लेता हूँ तो इधर रेड कलर का लेस दिया हुआ है, एंड एडिशनल कोई भी लेस नहीं दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, आप ये नोटिस कर रहे होगे इधर ये पूरा रबर है, यहाँ पर अलग सा रबर मेश बनाया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा एड ऑन है। बट ओवर द टाइम ये भी येलो येलोइश हो जाएगा और ये पार्ट भी येलोइश होने के चांसेस है। और मेश दूसरे साइड भी है रबर मेश, एंड सेम आप इधर देख पाओगे इधर टंग के नीचे के साइड भी है। इनर सोल की बात कर लेते हैं तो अंदर से पूरा ब्लैक है और जंपमैन का लोगो दिया हुआ है। 2009 के मॉडल में इनर सोल सेम वुड डिज़ाइन का दिया हुआ था, जैसे बॉक्स में है वुड कलर का, तो सेम कलर डिज़ाइन अंदर डाला था। तो आइदर वेज दोनों भी अच्छे हैं। मेरे को पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो मैं ब्लैक कलर ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि वो वुडिश डिज़ाइन कुछ ज़्यादा फैंसी हो जाता है। सो या दैट्स इट रिगार्डिंग द शूज़। एक बार आपको शूज़ का लुक अराउंड भी दिखा देता हूँ। तो चलिए एक बार प्राइसिंग डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो
मैंने तो ये स्नीकर रिटेल में खरीदा हूँ वेज नॉन वेज से, और मेरे को ये स्नीकर पड़ा है 16,595, और जॉर्डन 5 इतने ही महंगे होते हैं एंड वी कांट हेल्प इट, बेस्ड ऑन क्वालिटी और कंफर्ट के हिसाब से हम लोग प्राइस सेट करते हैं। और मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि आपको कंफर्ट और क्वालिटी अच्छा ही मिलेगा, फॉर दिस प्राइस रेंज आपको अच्छा ही मिल रहा है क्वालिटी और कंफर्ट। और साइजिंग की बात कर लेता हूँ तो ये ट्रू टू साइज है, कि अगर आपको रेड कलर पसंद है और आपको स्वेट लेदर क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली ये शूज़ में जा सकते हो। इन इंडिया अभी भी ये शूज़ रिटेल में मिल जाता है, बट अदर कंट्रीज़ में अभी तक ये स्नीकर सोल्ड आउट हो चुका है। मालूम नहीं क्यों इंडिया में ऐसा होता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको खरीदना है तो आप देख सकते हो सुपर किक्स इंडिया या वेज नॉन वेज में, अगर रिटेल में मिल रहा है तो आप खरीद सकते हो, या नहीं तो आपको रीसेलर से खरीदना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो, होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको किस टाइप का वीडियो नेक्स्ट देखना है, या कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जैसे आप भी नोटिफाइड रहेंगे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। एंड दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।